जो इन दोस्तों क्या चल रहा है सब बढ़िया। अभी ओलंपिक्स का महोत्सव चल रहा है तो मैंने सोचा चलो पर्ड्यू जो मेरी यूनिवर्सिटी है उसका ओलंपिक्स का इतिहास क्या रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये मास्क क्यों पहन रहा हूँ अभी भी, क्योंकि यहाँ पर अभी डेल्टा वेरियंट और लैमडा वेरियंट और ना जाने कितने ग्रीक लेटर्स वाले वेरियंट्स आ रहे हैं, तो दूसरों की सलामती के लिए दूसरे ठीक रहें इसलिए मैंने अभी भी पहन रखा है। कई लोग आप में से सोच रहे होंगे कि ये हर समय चश्मा क्यों लगाता है। असल कारण है ये चश्मा लगाने के पीछे कतर के ओलंपियन मुताज बर्शिम। ये वो हैं जो चश्मा लगा के ही हाई जंप करके गोल्ड मेडल भी हासिल कर लेते हैं। गजब भोकाल। मॉडर्न ओलंपिक्स 1896 में शुरू हुआ था और उसको एथेंस ओलंपिक्स भी बोलते हैं। पर्ड्यू ने ओलंपिक्स में आज तक 14 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 7 कांस्य पदक जीते हैं, जिनमें से 16 पदक तो सिर्फ ट्रैक एंड फील्ड में ही हैं। पर्ड्यू ने अपने ओलंपिक्स का सफ़र शुरू किया 1900 के पेरिस ओलंपिक से। इस वर्ष पर्ड्यू की ओर से रे यूरी ने स्वर्ण पदक जीतना चालू किया और ये रुके ही नहीं। इन्हें ह्यूमन फ्रॉग का नाम दिया गया क्योंकि ये स्टैंडिंग लॉन्ग जंप, स्टैंडिंग हाई जंप, स्टैंडिंग ट्रिपल जंप सभी में स्वर्ण पदक हासिल करते चले गए। इन्होंने कुल मिला के 10 स्वर्ण पदक हासिल किए। इन्होंने ओलंपिक्स में इतना भोकाल मचाया कि इनके नाम पे री यूरी स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग सेंटर की स्थापना की गई है पर्ड्यू के अंदर ही। 1948 लंदन ओलंपिक्स, ये पहली बार था जब पर्ड्यू के तैराकियों ने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया और तैराकी में पर्ड्यू को 2 रजत पदक मिल चुके हैं ओलंपिक्स में। 1952 फिनलैंड ओलंपिक्स, ये पहली बार था जब पर्ड्यू बास्केटबॉल की टीम से लोगों ने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था और आज तक इन लोगों ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। वर्ष 2000 सिडनी ओलंपिक्स, इस वर्ष क्रिस हपिंस ने रजत पदक प्राप्त किया। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, इस वर्ष पहली बार पर्ड्यू बेसबॉल टीम से माइक डूर्समे ने नीदरलैंड्स बेसबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। कुछ ऐसा ही हुआ पर्ड्यू के डेविड बॉडाया के साथ, जिनका 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में डाइविंग का सफ़र उतना सही नहीं रहा, लेकिन 2012 में डेविड बॉडाया ने ओलंपिक्स में फोड़ दिया और अपने प्रतिद्वंदियों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। बॉडाया ने ओलंपिक्स में कुल 4 पदक प्राप्त किए हैं। इसी वर्ष लॉरेंस एसलमैन कांस्य मेडल जीतने वाली कनाडा सॉकर टीम का हिस्सा रही। 2016 रियो में पर्ड्यू वालों ने क्या कुछ नहीं किया। बॉडाया को डाइविंग में 2 पदक, अमांडा एल्मोर को रोविंग में स्वर्ण पदक और सील जॉनसन को डाइविंग में रजत पदक प्राप्त हुआ। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स, इसमें पर्ड्यू ने ट्रैक एंड फील्ड, डाइविंग, स्विमिंग, वॉलीबॉल इन सभी में भाग लिया। पर्ड्यू की कैरा विंगर ओलंपिक समापन कार्यक्रम में अमेरिका का झंडा थामेंगे। जैन एंडर्स मैनसन, जो कि पर्ड्यू के केमिकल इंजीनियरिंग एवं मटेरियल्स इंजीनियरिंग के डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर है, वो इस समय पर्ड्यू टीम का उत्साह बढ़ाने और पर्ड्यू का प्रतिनिधित्व करने टोक्यो पहुँचे हैं। ऐसे प्रोफेसर से सभी को काफ़ी सीखने मिलता है। तो आपका सबसे पसंदीदा ओलंपिक्स खिलाड़ी या टीम कौन सी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें एक रॉकेट सैल्यूट, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया आराम से कर लेना, कौन सी प्लेन छूट रही है। तो मैं चलता हूँ नीरज चोपड़ा की जैवलिन थ्रो देखने, क्योंकि वो मेरे एक पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक है और उनसे यही उम्मीद है कि वो एक स्वर्ण पदक ले आए आज।